हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा डॉट नेट ट्यूटोरियल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनमरेशन, जो सी शार्प के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, हम उसको इनम भी बोल देते हैं। इनमरेशन बेसिकली यूज़ क्यों होता है ये आपको जानना ज़रूरी है। इनमरेशन हम स्टैटिक डेटा मीन्स कॉन्स्टेंट डेटा जो है हमको स्टोर करवाना हो तो हम इनमरेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कांस्टेंट डेटा लाइक एग्जांपल ऑफ डेज ऑफ वीक्स। ठीक है, ये तो हमारे कांस्टेंट है, इसे फिक्स वैल्यू जो होती है अगर हमको स्टोर करवाना हो तो हम इनमरेशन के अंदर स्टोर करवा सकते हैं। तो इनमरेशन जो है चीज़ आपके अंदर कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर वैल्यू कैसे इनिशलाइज करते हैं, वो हम देखने वाले आज की इस वीडियो में। ठीक है गाइस, तो इनमरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेयर करने के लिए हम क्लास के अंदर इनमरेशन यहाँ पर एक वेरिएबल दे देती हूँ, डेज ऑफ वीक। ठीक है, उसके हम अंदर हम डेज डिफाइन करने वाले। ठीक है, अभी हमको डेज जो है ऐड करने, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो हमारी कांस्टेंट वैल्यूज़ है यानी कि डेज ऑफ वीक हम स्टोर करवा सकते हैं इनम के अंदर। अगर हमको स्टोर करवाना हो तो डायरेक्टली हम वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं, बट हमको नीड है कि कांस्टेंट वैल्यू किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर करें तो हम यूज़ करते हैं इनमरेशन का कंसेप्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक इनम एक ये लिया, उसका इनम ले लिया, उसके बाद यहाँ पर इनमरेशन का नेम आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हो और उसके अंदर आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। इसी तरीके से आप जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका अगर आपको सेट करवाना हो तो आप इसी तरीके से कर सकते हो। एक एग्जांपल के लिए मैंने डेज ऑफ वीक के लिए दिया है, यहाँ तो हमने एक ये जो डेज है वो डिफाइन किए गए है इस वेरिएबल के अंदर, ऐसा मीनिंग होता है। यहाँ पर अभी मुझे पर्टिकुलर डे चाहिए तो इस डे में से मुझे पर्टिकुलर सपोज फ्राइडे चाहिए, नहीं तो आज का डे कौन सा है वो मुझे फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैं यहाँ पर दे देती हूँ टुडे और यहाँ पर डेज ऑफ वीक, लाइक मुझे चाहिए संडे। ठीक है, आपको जो चाहिए एज पर अकॉर्डिंग यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर हम प्रिंट करवा के देख सकते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या किया गाइस, ये देखो डेज ऑफ वीक्स के अंदर हमारे जितने भी डेज अवेलेबल है यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसके बाद ये हमारे डेज ऑफ वीक है, उसके बाद डॉट संडे मीन्स इस डेज ऑफ वीक के अंदर जितने भी वैल्यू स्टोर है वो यहाँ पर एक्सेस हो जाएंगी और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर हमने सेट किया है संडे, तो यहाँ पर स्टोर हो गया संडे और ये टुडे केस में प्रिंट हो जाएगा। हम एप्लीकेशन रन करके देख सकते हैं, ठीक है लोड हो रहा है। ये देखो हमारा जो संडे है वो प्रिंट हो गया। इसी तरीके से आपको अगर दूसरा चाहिए होगा डे तो आप ले सकते हैं, यहाँ से मंडे है, ट्यूसडे, फ्राइडे, आपके अकॉर्डिंग आप जो आपको चाहिए आप ले सकते हैं। अब मैंने लिया मंडे, आप मंडे प्रिंट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम इनमरेशन का यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से मुझे पर्टिकुलर ये देखना है यानी कि वीकेंड कब कब होता है, तो यहाँ पर हम कंडीशन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे कर देते हैं, इफ टुडेज, ठीक है यहाँ पर संडे दे दिया, अब मुझे वीकेंड प्रिंट करवाना है तो यहाँ पर मैंने और एक और की कंडीशन लगा दे देती हूँ, और एग्जैक्टली इक्वल डेज ऑफ वीक डॉट
Saturday. Saturday. यहाँ पर हमने सैटरडे लिया ही नहीं. ठीक है, वीकेंड कब होता है? संडे और सैटरडे को. सैटरडे और संडे को तो डे ऑफ वीक. यहाँ पर सैटरडे हमने ले लिया और यहाँ पर हम मैसेज भी दे सकते हैं कि इट्स अ वीकेंड. डबल कोट के अंदर मैसेज देना है. ठीक है, अब हम रन करके देख सकते हैं. अभी यहाँ पर तो मंडे आ गया. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने सेट करवा दिया. सपोज हमने यहाँ पर सैटरडे सेट करवा दिया, नहीं तो संडे सेट करवा दिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा जो मैसेज है उसका विषय डिस्प्ले होगा. ये देखो, हमने अभी सेट क्या किया था, संडे किया था. ये देखो यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने कंडीशन लगवाई थी वीकेंड होता है. तो वीकेंड कब होता है? सैटरडे और संडे को. यहाँ पर हमने और ऑपरेटर का यूज़ करके यहाँ पर कंडीशन सेट करवा दी. यहाँ पर सपोज हम संडे सेलेक्ट करें तो यहाँ पर वो मैसेज उसके अकॉर्डिंग शो होता है. ये हमारा है इनमरेशन का कंसेप्ट. इनमरेशन बेसिकली क्या करता है कि कॉन्स्टेंट वैल्यू हमको स्टोर करवानी हो उसके लिए हम इनमरेशन का यूज़ करते हैं सी शार्प के अंदर. ये आपको याद रखना है. ठीक है गाइज. गाइज, अगर आप चैनल पे नए होते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज वीडियो.